वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला मेरा रंग दे। इनकलाब जिंदाबाद। पापा कोई गल नहीं, पापा जी हमारी मैडम जी झूले लेने लग गई वहां पर, कोई नहीं बगाता यहाँ पर। आज हम कौन क्या चप्पल चुड़ी आज हम आप पहुंचे हैं चप्पर चिड़ी, देखते हैं जाने देते हैं कि नहीं। आज आपको ले चलते हैं अंदर चप्पर चिड़ी में और दिखाते हैं आपको एक ऐतिहासिक जगह पंजाब। वो ही तो है बाबा बंदा सिंह बहादुर। लो दोस्तों, आज हम अचानक से पहुंच गए, हम काम से आए थे वाटर सप्लाई के ऑफिस में मोहाली, और तो मैंने कहा क्यों ना आज अपनी धर्मपत्नी जी को और मुँह छुपा रहे हैं, क्यों ना उनको अपना चप्पर चिड़ी दिखा दें। तो हम चप्पर चिड़ी आ गए और मैडम कह रहे थे कोई प्रोफेशनल कैमरा तो नहीं है यहाँ, जो भी आएगा प्रोफेशनल कैमरा लेकर आएगा तो फिर उनको शायद में भी चार्जेबल है, तो आप सोच समझ कर ही आना। वीडियोग्राफर यहाँ चार्जेबल है, पर अंदर जा रखे हैं बंदे, बड़ा शोर सा हो रहा है। इधर से आ जाओ, आ जाओ। ना दोबारा दसो ना, मैं यूट्यूब वास्ते वो क्या कहने रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना। पापा ने वाच लो। कोई गल नहीं पापा जी रिकॉर्ड करन दे, तू ही करा लो। ओ पापा यादगारी दसो की हिसाब किताब है। अब हम जा रहे हैं ओपन एयर थिएटर में, ये कुछ ऐसे ओपन एयर थिएटर। ये देखिए आप, वाली फिल्म देखी थी आपने आशिकी 2? सुन रहा है ना तू, शायद हो भी सकता है। रो 1 2 3। ये देखिए हम ओपन एयर थिएटर में पहुंच चुके हैं, कुछ ऐसे हमारे पीछे ओपन एयर थिएटर। वो मिती जी हम आए कहाँ थे और पहुँच कहाँ गए, यही होता है। मैंने कहा मोहाली की साइड आए तो मैं भी कभी आया नहीं था, तो आज मैं भी इधर पहुँच गया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती। आजादी को चली बहाने दीवानों की डोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला मेरा रंग दे। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इनकलाब जिंदाबाद।
ये आ गए हम ओपन एयर थिएटर से। है वतन जाने जा जाने मन ये समा ये बहार दिल रुबा जाने सा। है वतन जाने जा जाने मन ये समा। आओ आपको आगे ले चलते हैं, अब दिखाते हैं आपको इतना प्यारा फतेह बुर्ज बनाया है ये। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये जो मुगलों ने अत्याचार किया था ना, ये ऑडिटोरियम है। और जो मुगलों ने अत्याचार किया था उनके कड़े प्रहार के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जो हैं उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने थापी दी थी। ये भाई फतेह सिंह है, हैं आपको भाई बाज सिंह। अब मैं दिखाता हूँ आपको अपने पीछे जो बिल्कुल मेरी दाईं ओर है, सॉरी बाईं ओर है, वो हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। ये मेरे बिल्कुल मेरे पीछे हैं, उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने भेजा था। कुछ इस तरह से व्यू है। हमारे पास ड्रोन तो नहीं है लेकिन हम यहीं से ले लेते हैं ड्रोन व्यू और आप चलते हैं घर की साइड को। बहुत देर हो चुकी है, घर भी जाना। मेरी धर्मपत्नी जी यहाँ पर ये हेरिटेज किचन कटानी बंद है, रेट लिस्ट भी हटा दी गई है, लॉक लगा दिया गया है। ओपन है, ओपन ही है। ये भाई राम सिंह जी, हमारी मैडम जी झूले लेने लग गई वहां पर। ये शाही चेयर, ये मेरी मैडम यहाँ पर झूले का आनंद लेती हुई। कोई नहीं भगाता यहाँ पर। अब हम घूम चुके हैं यहाँ पे चप्पर चिड़ी से, अब हम घर चलते हैं। बहुत अच्छा बनाया है ये, ऐतिहासिक जगह है एक बहुत ही पंजाब की। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चार साहिबजादों को
यहाँ पर मतलब उन्होंने गवाया है, उनकी शहादत हुई थी, से गुरु हमें शायद ही कभी मिल सके। दोस्तों ये कुछ ऐसे बाहर ये गेट बनाया हुआ है, बाबा बंदा सिंह बहादुर जंगी यादगार चप्पड़चिड़ी। ये मैं आपको 180 व्यू दिखा रहा हूँ फ्रंट से। ओके माय यूट्यूब फैमिली, अब मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और रीच को ऊपर लेके जाएं, क्योंकि आपके रीच ही जो है, जो आपका वॉचिंग, जो आपका देखेंगे आप वीडियो को, वही जो चीज़ है वो मेरी वीडियो को और मुझे ऊपर लेके जाएंगे। 1,00,000 सब्सक्राइबर तो आप लोगों ने कर दिए हैं, इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए मैं बार बार आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। क्यों, आप लोग कई बार बोल रहे होंगे कि ये बार बार वही बात बोली जाता है, मैं क्या बताऊँ, मैं उस चीज़ को शब्दों में भी बयान नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं जितना बोल रहा हूँ वो कम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जितना प्यार आपने मुझे जैसे दिया उतना वीडियो को और प्यार देते रहें और रीच को ऊपर लेके जाएं। अब हम चलते हैं घर, अब हम चलते हैं अपने घर और हम वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं। और पीछे मेरी धर्मपत्नी जी खड़ी है, मुझे पता नहीं कुछ बोल रही है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए आप, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की, जो उन्होंने एक मुग़लों के खिलाफ युद्ध लड़ा था गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर, उनकी याद पर ये शहीदी एक वो बनाया है। तो आज हम यहाँ आए थे, हमें यहाँ के इतिहास के बारे में इतना तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कुछ युद्ध लड़ा था मुग़लों के खिलाफ, उसकी याद में ये बनाया गया है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड इवनिंग।